एक्साइज के बारे में बात करेंगे, वैट के बारे में तो बात करूंगा। एक्साइज तो केंद्र सरकार लगाती है 61% तक के ऊपर दिया, जो कीमत है पेट्रोल की 61% तो टैक्सों में चला जाता है। 20,97,000 करोड़ का वो तथाकथित एक राहत पैकेज था, उसमें आम आदमी की जेब में कितने पैसे आए? निश्चित रूप से फूड जो सामग्री, जो खाद्य सामग्री दी गई, जिस राज्य सरकार ने जहाँ पे उनको अपना किसी को कच्चा अनाज दिया गया, किसी को पक्का अनाज दिया गया, किसी को पेट्रोल दिया था, एलपीजी दिया गया, जहाँ पे गैस भी दी गई। ये आपके घर में भी सब ठीक ठाक है ना? मैं पत्रकार संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा की लाइव शो में बैन बजा दी। दरअसल बढ़ती महंगाई पर भाजपा प्रवक्ता महेश वर्मा कांग्रेस की खामियां गिना रहे थे। फिर क्या था, संदीप चौधरी ने कहा कि आपकी सरकार पिछले 7 सालों में क्या कर रही है, पेट्रोल पर वसूले जाने वाले टैक्स पर क्या कहेंगे आप? लेकिन इन सभी सवालों का जवाब भाजपा के प्रवक्ता के पास नहीं था। पूरी वीडियो में देखिए किस तरीके से संदीप चौधरी ने अपने शो में महेश वर्मा की पुंगी बजा दी। और ये अनुपम खेर, अक्षय कुमार बहुत साइकिल की बड़ी बातें करते थे कि साइकिल साफ कर लो, अब साइकिल साफ करने का वक्त आ गया है तो सेंचुरी मार रहा है पेट्रोल। देखिए संदीप भाई, किसी भी लोकप्रिय सरकार की ये कोई मंशा नहीं होती है कि अपनी जनता के जेब पे कोई किसी तरह से वो उसके जेब पे किसी तरह से बोझ डाले, ये किसी की भी मंशा नहीं होती, लेकिन मजबूरी जरूर होती है, उसको आपको भी समझना होगा और जनता भी कुछ हद तक समझती है। मुझे जहां तक इस बात को समझ पा रहा हूं कि देखिए कोरोना काल में आपने जैसे कहा कि भाई क्रूड ऑयल की कोई कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई, मैं आपके संज्ञान में ये जरूर लाऊंगा कि 9 रुपये का क्रूड ऑयल जो है अभी हाल में $9 का हाल में जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित रूप से अगर ये मार्केट लिंक अगर हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का कहीं बाजार है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई देगा, एक बात। दूसरी बात कि देखिए हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे आपने कहा कि भाई एक पेट्रोलियम और एक्साइज दो ऐसी ही दो ऐसा टैक्स का जो स्लैब है वो राज्य सरकार के पास है, जिसमें वो अपनी तरीके से उनको अपना सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना होता है, उसको उन्होंने जीएसटी में कवरअप नहीं किया हुआ है। तो अक्सर क्या होता है कि ये जो राज्य सरकारें जो अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा 36% अगर कहीं बैठ है पेट्रोलियम पर तो राज्य सरकार में है, राजस्थान में। एक्साइज के बारे में बात करेंगे, वैट के बारे में तो बात करूंगा। एक्साइज तो केंद्र सरकार लगाती है 61% तक के ऊपर, जो कीमत है पेट्रोल की 61% तो टैक्सों में चला जाता है।